पश्चिमी बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे बेपटरी हो गए। पिछले साल ओडिशा में हुए रेल हादसे की तरह ही इस बार भी एक ट्रैक पर 2 गाड़ियां आने से यह हादसा हुआ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किसकी वजह से ऐसी गलती हुई है। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर रेलवे का ये सिस्टम कैसे काम करता है, किन कारणों से 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ जाती है और किस तरह एक ट्रैक पर दोनों ट्रेनों को आने से रोका जाता है। दरअसल रेलवे में हर ट्रेन और उसके रूट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम सेट होता है, जिसकी वजह से हर ट्रेन अलग ट्रैक पर होती है और एक्सीडेंट का कोई चांस नहीं होता। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। रेलवे ट्रैक में इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्टॉल किए जाते हैं और जैसे ही ट्रेन ट्रैक सेक्शन पर आती है तो इस सर्किट के जरिए ट्रेन के आने का पता चलता है। ट्रेन के आने का पता चलते ही ट्रैक सर्किट इसकी जानकारी आगे फॉरवर्ड कर देता है और इसके आधार पर EIC कंट्रोल सिग्नल आदि को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ ही इसी की जानकारी के आधार पर यह सूचना दी जाती है कि अब ट्रेन को किस तरफ जाना है। कंट्रोल रूम के जरिए ही ट्रेन के रूट को तय कर दिया जाता है। 2 पटरियों के बीच एक स्विच होता है जिसकी मदद से 2 पटरियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। ऐसे में जब ट्रेन के ट्रैक को बदलना होता है तो कंट्रोल रूम में बैठे कर्मचारी कमांड मिलने के बाद पटरियों पर लगे दोनों स्विच ट्रेन की मूवमेंट को राइट और लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं और पटरियां चेंज हो जाती है। लेकिन कई बार टेक्निकल कारणों से या फिर मानवीय गलती की वजह से ट्रैक चेंज नहीं हो पाता और ट्रेन अलग ट्रैक पर चली जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि ट्रेन उस ट्रैक पर आ रही दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है और हादसा हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी जानकारियों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सुनते रहिए नेशन मिरर।